अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन इकराम। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो कि पाकिस्तान में एक मंथ के लिए आए हुए हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का विजिट करेंगे और लोगों को इस्लाम के रिलेटेड मजीद बताएंगे। नाज़रीन इकराम, लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो हैं वो मौलाना तारिक जमील साहब से मिलने उनके घर तलंबा पहुँच गए। नाज़रीन इकराम, इस बात में कितनी सदाकत है? क्या मौलाना तारिक जमील साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई या नहीं, यह भी मैं आपको बताऊँगा। और क्या ये बात सच है या झूठ, इसमें क्या सदाकत है, कितने परसेंट एक्यूरेट है, तमाम डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी चैनल पर नहीं है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने चैनल मेरे लिए नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक और मौलाना तारिक जमील के लिए आपने चैनल को टर्न करके लाजमी सब्सक्राइब कर लेने। नाज़रीन इकराम, घंटी की आवाज आप लोगों को यकीनन सुनाई देगी जब आप टर्न करके सब्सक्राइब करेंगे। नाज़रीन इकराम, अच्छा बात करते हैं, मेन बात पे आता हूं। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो पाकिस्तान आते ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिले हैं और उनका यह कहना था कि मैंने डिसाइड किया हुआ था जैसे ही पाकिस्तान जाऊंगा तो मजहबी शख्सियत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलूंगा और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। नाज़रीन इकराम, अच्छा बात करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब की मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मुलाकात हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई जी भाई जान। डॉक्टर जाकिर नायक साहब की मौलाना तारिक जमील साहब के साथ अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। आप क्या ये समझते हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब से लाजमी मिलें? कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। और जो सोशल मीडिया पर झूठ बोलते हैं उनके रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? यार झूठ पे झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती यार, ये मुसलमान है और झूठ बोलते हैं, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और चैनल को आपने टर्न करके लाजमी सब्सक्राइब करना है, मेरे लिए नहीं बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपने दोस्त बिलावल हुसैन खान को इजाजत दें।